हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की चंदा सिंह। देखिए, अभी आज कहते हैं ना, ज्वाला देवी की जयंती भी है, ज्वाला देवी योग भी है। और कहते हैं ना, हमारे श्री कृष्ण जी ने साक्षात्कार अवतार लिया है, अवतरण है। आज की रात मेरे लिए बहुत बड़ी है, खास करके दुश्मनों के लिए। तो आज मैं काम करने जा रही हूँ, तो ये काम मैं करने जा रही हूँ। और सही बोलते आज मैं बहुत दुखी भी हूँ कि लोग अपने घमंड में और अपने ईगो में आके क्या क्या नहीं कर देते हैं। सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनके लिए ही पूजा पाठ करती हूँ, उनके लिए? क्योंकि उन्हें ऐसा इसलिए लगता है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, उन्होंने मेरे केशों को नहीं आने दिया है, उन्होंने हर बात पर, उन्होंने जो गलती की उन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती, उन्होंने मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश की, मुझे गोराई से भगाने की कोशिश की, मेरे अपने लोगों को मेरी दुश्मन बनाने की कोशिश की, जिन लोगों को अच्छा समझा उन्होंने भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, मेरे लड़कों को भड़काने की कोशिश की। एक्चुअली सरप्राइज क्या है मालूम है आपको? रुके, सरप्राइज ऐसा है ना, क्योंकि फेस टू फेस बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सरप्राइज ऐसा है कि दुख इस बात का है कि बहुत पहले कुमाता जैसी औरत ने फ़न उठाया था, एक नागिन ने फ़न उठाया था, जिसको कुचलने में मुझे बहुत टाइम चला गया। फिर किसी अपने ने मुझ पे घात किया है। मतलब क्या है मालूम है, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ इनके लिए बुरा सोच रही हूँ, इनके लिए कर रही हूँ, मैं क्यों करूँगी बुरा? और चलो मैं एक बात बताती हूँ, अगर मैं आपके लिए बुरा कर भी रही हूँ तो आपने ऐसा क्या किया है कि मैं आपके लिए बुरा कर रही हूँ? मुझे सबसे बड़ी बात का जवाब वो चाहिए। आप लोग मेरे साथ बुरा करते समय नहीं सोचते हो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? मैं तो अपने पूजे के काम से कर रही हूँ। देखो, कुमाता जैसी औरतों ने, नागिन ने जब फन उठाया था तो माँ विंध्यवासिनी ने उनको उनका जवाब दिया था। आज मेरी माँ विंध्यवासिनी का जन्मदिन है, मैं ना घर पे हूँ ना विंध्याचल में हूँ, मैं बीच में माँ बगलामुखी के पास हूँ। आप समझ सकते हैं मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि लोगों को ये बात का डर था कि अगर ये पहुँच गई तो हमारी कैसी बैंड बजेगी, लेकिन ये बात का डर नहीं था अगर ये नहीं पहुँचेगी तो भी हमारी बैंड बजेगी। देखो, मैं कौन होती हूँ किसी को सज़ा देने वाली या ना देने वाली? आज मैंने सब कुछ अपनी माँ विंध्यवासिनी पे छोड़ा है कि अगर बचपन से मैंने तुझे दिल से प्यार किया होगा ना माँ, तो मैं बस एक ही बात चाहती हूँ, मैं किसी को आज के दिन गलत नहीं बोलूँगी। मैं आज अभी ताले का काम करूँगी, मेरे गुरु ने कहा आज ताले का काम करो। अरे यूँ ये ताले का काम होगा, ये भोजपत्र है, भोजपत्र पे वशीकरण भी किया जाता है। भोजपत्र को वशीकरण में लिख के शहद की बॉटल में डुबो दो तो जिंदगी भर के लिए आदमी अपना हो जाता है। और उसी भोजपत्र में मंत्र करके अगर राई के तेल की बॉटल में डुबा दो तो आदमी ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाता है, पता है ये बात? ये कुछ काम मैं करने वाली, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से किसी अपने ने सर उठाया है, और इसलिए उठाया है कि मतलब देखो क्या होता है मालूम है, इंसान जब नादानी में कोई गलत हरकत करे ना तो उसे समझाया नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आज मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुम लोगों ने अपने ईगो में, अपने घमंड में आके मेरी माँ, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझे विंध्याचल तक नहीं पहुंचने दिया। कि चलो रे, मैं चलो नहीं पहुंची, लेकिन मैंने कसम खाई, अब मैंने माँ से ये कहा है कि अब जब तक तू इन जैसे लोगों को सबक ना सिखा दे, इन लोगों को इनकी औकात ना दिखा दे कि दोबारा मेरी बेटी तक आने से पहले 50 बार सोचना, ये औकात उनको ना दिखा दे, तब तक तो विद्या देवी तेरी चौखट पर अब कभी कदम नहीं रखेगी। क्योंकि माँ आपसे अलग किया है, और एक बार भी ये लोग ने डरे नहीं कि माँ से अलग करने के बाद मैं, क्योंकि आज मैंने कुछ ऐसा काम किया था तालों का, कुछ चीज़ें रुक रही थी, तो जब मैंने तालों का काम किया दोपहर को बैठ के, तो वो चीज़ें हटी रास्ते से, वो रास्ता हटा तभी मुझे, और जिसके नाम से किया था, जस्ट मैंने जिसके नाम से किया था उसी का नाम लेके जब मैंने ताला फेंका तभी रास्ता खुला। तो मुझे अंदर से, मतलब एकदम अंदर से इतनी तकलीफ हुई कि भाई क्यों अपने, फिर से अपने उन्हें किसी ने सर उठाया। कोई बात नहीं, क्या करें, कुमाता के कैटेगरी के जो हैं, कुमाता के जैसे के खानदान वाले जो हैं, उन लोगों को हम कुछ बोल नहीं सकते। तो मेरा कहना बस यही है कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। आज जैसे तुमने एक विद्या देवी को उसकी माँ से अलग रखा है, वैसे विद्या देवी को आज उसकी माँ से मिलने के लिए रोका है। माँ से तो मिलने से रोक नहीं पाए, मैं अपनी बगलामुखी मैया के पास हूँ, भले मैं हूँ लेकिन कहीं ना कहीं तो था ना। क्योंकि आज के लिए पता है आपको, मैंने अपने लिए राधा रानी वाला कपड़ा सिलवाया था, सोने का मांगटिका लिया था, नथ लिया था, और बहुत सारी चीज़ें ली थी। सोची थी कि मैं वहाँ जाके आज माता रानी के साथ, अपने भाभियों के साथ मिलके माता जी का झूला झुलाऊंगी, खूब एकदम राधा रानी के जैसे तैयार होगी, क्योंकि बहुत 4 साल बाद ठीक हुई हूँ, पेट वेट अंदर गया है, तो खूब अच्छे से जश्न मनाऊंगी। लेकिन नहीं, उस बात की तकलीफ नहीं है, क्योंकि और ऐसे कोलकाता जाने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बच्ची का आ गया तो मुझे जाना पड़ा, तो बस मैं वहाँ जा रही हूँ, बस मेरा रास्ता रोका गया।
और मेरे को सच बोलूँ मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा रास्ता रोक रहा है, तो मैं एक जगह रुक गया। और देखो रुकी भी कहाँ, दतिया में, रोकने वाले भी मुझे रोक ना पाए, क्योंकि जब मैं दतिया आई तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं दतिया जा रही हूँ। मैंने दतिया पहुँचने के बाद वीडियो बनाई कि मैं दतिया आ गई, और ये लोग भूल गए कि दतिया में ही बैठ के मैंने लोकसभा की चुनाव का पूरा पिक्चर बदले की है। और ये भी नहीं डर आया कि अभी हमने अगर एक बार वो विंध्याचल चले जाते तो एक बार हम लोग की इतनी वो नहीं होती, क्योंकि वो माँ भोली है, वो जल्दी ऐसे सज़ा नहीं देती। लेकिन ये जो है बगलामुखी, किसी का नहीं सोचती, इनका मंत्र ही है ना, ये इंसान को खुद पागल कर दे कि सामने वाला अपनी करनी खुद बोल देगा। ऐसी बात है, जो भी जिसने किया रहेगा भुगतान तो उसे बहुत बड़ा मिलेगा, ज़िंदगी भर के लिए मिलेगा। जिस कारण की वजह से तुमने मेरा रास्ता रोका है ना, जिस कारण की वजह से, कि अगर ये पहुंच गई वहां पे और हमारे किसी अपने के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, देख लीजिएगा वो कारण ही नहीं बचेगा। तुमने जिसको भी बचाने के लिए मेरा रास्ता रोका रहेगा उसको ही भगवान ऊपर बुला लेगा, ये मेरा वादा है, लिख के लेना। और आज मैं दिल से श्राप देती हूँ, जिस तरह से तुमने मुझे मेरी माँ से अलग किया है, मेरी माँ से दूर करने की कोशिश की है, जिन्हें मैं बचपन से प्यार करती आ रही हूँ, तो भाई अगर कोई शादीशुदा होगा, उसके बच्चे होंगे, तो उन्हें कभी बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, वो भी अपने बच्चों से ऐसे ही दूर रहेंगे। और जिन्हें बच्चे नहीं होंगे वो आजीवन के लिए निर्बंसी रहेंगे, उन्हें कभी औलाद का सुख नहीं होगा। और जिन्होंने मुझे एंड टाइम पे धोखा दिया है ना, जिस कारण की वजह से दिया वो कारण ही नहीं रहेगा, ये बात याद रखना, अब चाहे जिसके साथ जो हो। क्योंकि आज ये विद्या देवी दिल से बद्दुआ दे रही, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे गुस्सा आता है ना किसी पे भी तो मैं बोल के दिखाती हूँ, मन में दबा के नहीं रखती हूँ। मुझे गुस्सा है, अगर आपने मेरे साथ गलत किया तो मैं आपके साथ क्लियर करूँगी उस बात को कि तुमने गलत किया, उसका क्लियरिफिकेशन दो, वाई, क्यों। ऐसा अगर मैं किसी के साथ गलत करूँ और आपको लगता है मैं आपके साथ गलत करूँ, तो मुझे पूछो, सवाल पूछो। लेकिन कैसे पूछेंगे, आप गलत हो ना उस जगह पे, कैसे पूछेंगे? आपको पता है कि हमने इसके साथ गलत किया, इसलिए हम लोग आज भुगत रहे। और ये बात का डर है कि कहीं ना कहीं भुगतेंगे। क्या बिगाड़ा था मेरे केशव ने, ये बताओ आपका क्या, वो हो जाता तो कौन सा आपकी जमीन जायदाद आपके हक से छीन ली जाती कि आपने उसका आने का रास्ता रोका? क्यों रोका? जरा भी एक बार भी डर नहीं लगा कि आपके भी घर में औलादे होंगी? भगवान ना करे उसको किसी ने, भगवान ने उठा लिया तो। भगवान ऐसे किसी को, एक बात बताओ, मौत के बदले मौत नहीं देता है। आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, किसी औलाद के लिए बुरा सोचोगे ना, आपकी औलादों को भगवान उठाएंगे नहीं, या तो अपाहिज बना देंगे, या तो जिंदगी भर के लिए ऐसा कुछ कर देंगे जिसके लिए आप जिंदगी भर उस चीज़ को बोझा ढोते धोते धो। एक जवान बच्ची की, कोई एक जवान, कोई माँ बाप का कोई जवान बच्चा गुजर जाता है तो जिंदगी भर की तकलीफ हो जाती है। जैसे वो लड़की गुजर गई ना, तो उसके माँ बाप को जिंदगी भर का घाव लग गया। वैसे आपको सच बोलो, जब से मेरा केशव मेरे पेट से गया ना, तो मेरे जो दो चार जनों ने भी, जिसने भी मेरे बच्चे के लिए ऐसा किया ना, तो जिंदगी भर के लिए वो मेरे जाने दुश्मन बन गए। जितने लोगों ने मेरी 100 लड़कियों की शादी में गए थे ना, 100 लड़कियों की शादी को बिगाड़ने की कोशिश की ना, वो मेरे जानी दुश्मन बन गए। जितने लोगों ने मुझे मेरे अपनों से ही मेरी दुश्मनी कराने की कोशिश की ना, वो मेरे जानी दुश्मन बन गए। अब जब तक उनकी अर्थी नहीं उठेगी ना, विद्या देवी शांत नहीं बैठेगी। तुम लगाओ अपनी एड़ी छोड़ी का जोड़। अरे इस बार तो सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, इस बार गुनाह ये किया कि मुझे मेरी माँ के पास जाने से रोका। देखो इस बार मैं कोई पूजा नहीं करूँगी, कुमाता जैसी औरतों का भी संहार करते समय मैंने कोई इतना पूजा नहीं किया था, वो जो किया वहाँ विंध्यवासिनी ने सजा दी, मैंने नहीं दी। और इस बार भी जिसने जो गलती की ना, उसको माँ विंध्यवासिनी देखेगी। आज उनका जन्मदिन है ना, जन्मदिन के दिन विद्या देवी यही आशीर्वाद मांगती कि अगर मैंने कुछ गलती की हो तो मेरे कीड़े मुझे देना, और अगर जिसने मेरे साथ आप तक आने के लिए रास्ता रोका है उसकी अर्थी बहुत जल्दी सजाना, उसे आजीवन किसी चीज़ का सुख मत देना। जब तक वो जिंदा रहे उन्हें अन्न धन, कहते हैं किसी चीज़ का सुख मत देना। अगर औलाद है तो औलाद हो तो औलाद को अपाहिज कर देना, और औलाद ना हो तो आजीवन के लिए संतानहीन कर देना, कभी वो संतान का सुख ना देख पाए। उन्हें बात हर जन्माष्टमी पे याद आए कि कैसे उन लोगों ने ऐसे गलत काम किया था। ऐसी बात है, मेरा इंसाफ सबके लिए बराबर है, और अभी मैं जो काम करने वाली हूँ उसे बच के देखो। बाकी तो काम मैं कर ही चुकी हूँ कल परसों में, अभी मैं उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जा रही हूँ। इस बार मेरा कोई इंटेंशन काम का नहीं, मेरे को कोई किसी ने कोई इलेक्शन या कोई काम नहीं दिया। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए जा रहा हूँ। धीरे धीरे रास्ता खुल रहा है, धीरे धीरे सारे चोर अपने आप सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब पॉलिटिक्स की हालत ख़राब हो चुकी है। उनका ऐसा है कि वो फंसने से अच्छा जो है उनको सज़ा दिला के हटा दो, बात ना खुले। लेकिन बात तो खुलेगी, 1 तारीख तक जिनकी मौतें होनी वो होगी, और होनी ही है, क्योंकि विद्या देवी की पूजा का काट ना आज तक कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा। मुझे बस इतना बोलना है कि अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम लोगों को मेरी बातें बुरी लगनी नहीं चाहिए। मुझे भौंकती हूँ भौंकने दो, क्योंकि मेरा ऐसी बात है और मेरी पूजा पे मुझे विश्वास है कि अगर तुमने गलत किया है
तुम जहन्नुम के कोने में भी छुप जाओ, विद्या देवी की शक्तियाँ तुमको ढूंढ के वहाँ से निकाल के नंगा करके नाचना चाहेंगे। कुछ लोगों का तो पॉलिटिक्स करियर ही ख़त्म कर रही हूँ मैं, देखो मज़ा धीरे धीरे। मैं जो कर रही हूँ वो होके ही रहेगा, 101% 1000% होके रहेगा। इसे मैंने 50 बार कहा है, मुझसे प्यार से रहने में भलाई है, लेकिन इतना भी प्यार से मत रहो कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। मेरे सामने हंसते रहना, बोलते रहना, ऐसा दिखाना कि हम लोग को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क तुम लोगों को पड़ रहा होता है। सबसे ज़्यादा तुम लोगों को ईर्ष्या होती रहती है कि अरे गोराई से भगाने की कोई, पहले शादी को रोकने की कोशिश की, शादी नहीं रुकी, फिर इन लोगों का रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश की, रिश्ता नहीं बिगड़ा, फिर ये लोगों का घर से गोराई से भगाने की कोशिश की, घर से गोराई से भगा नहीं पाए, सोचा था कि बस पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगी, इसका नाम खराब हो, उस पर केस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, और मेरे साथ गलत करने के लिए पहले मेरी शक्तियों से उलझना पड़ेगा, और जब जब तुम मेरे खिलाफ अपना सर उठाओगे तब तक मेरी शक्तियाँ तुम्हारा सर कुचल देंगी। तुम मुझ पे वार करोगे, मेरी शक्तियाँ, मेरी कमजोरी मेरे सिर्फ भगवान है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सारी कमजोरी, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे पीछे रोने वाले बहुत है। ऐसा ना हो कि भगवान तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए रुला के चला जाए और तुम सर पीटते रह जाओ। तो बस वेट, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है।